Assalamu alaikum everyone. This is Zoya from Grammar by Zoya Khan. I hope you all are doing great. So in this video, we will solve the sentence corrections from CSS 2022 paper. First of all, I would like to congratulate all of my students from online classes. क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी मिस्टेक्स थी, चाहे वो ग्रामेटिकल हैं या स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो ना सिर्फ हमने अपनी क्लास में सीखे थे और बल्कि हमने उन्हें बार बार काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस भी की थी. सो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर लिया होगा. बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को अगर कंफर्म करना है या अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को आज इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह. तो हम अब स्टार्ट करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Sentence number 1. I must walk 2 miles to school every morning when I was a child. Okay, so in this sentence there are 2 clauses. The first one is I must walk 2 miles to school every morning, and the second clause is when I was a child. अगर आप इस सेंटेंस के टाइप की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें आपके पास 2 क्लॉजेज होते हैं जिसे आप कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में जो सेकंड क्लॉज है आई वाज अ चाइल्ड, ये आपको बता रहा है कि जब मैं बच्चा था तो पीछे ये जो सारी बात हुई है. ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट क्लॉज में जो भी बात हुई है या जो भी एक्शन है वो लाजमी तौर पे किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए. ओके, अब हम इस क्लॉज को जरा डिटेल में देखते हैं कि ये क्लॉज है क्या. आई मस्ट वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. अगर मैं इसके सिंपल ट्रांसलेशन कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे हर रोज सुबह 2 मील चल के स्कूल जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है. ये इसका इसके सिंपल जो है वो ट्रांसलेशन है. इसका मतलब है कि यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, आप मजबूर हो कोई काम करने के लिए. इट मींस कि कंपल्शन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है. तो प्रेजेंट टेंस में जब आप कंपल्शन शो करते हो तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि ये टेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि आप जो कंपल्शन है वो भी पास्ट में होनी चाहिए. तो जब आप पास्ट में कंपल्शन शो करते हो तो उसके लिए मस्ट इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड टू. ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्शन होगी वो क्या होगी, आई हैड टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. अच्छा, मस्ट जो है वो आप प्रेजेंट में यूज करते हो, हैड टू जो है वो आप पास्ट में यूज करते हो. लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हैड टू प्रेजेंट या फ्यूचर में इस्तेमाल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, हैव टू एंड विल हैव टू. ठीक है, हैव टू इन द प्रेजेंट, विल हैव टू इन द फ्यूचर एंड हैड टू इन द पास्ट. ऑलराइट, सो द करेक्शन इज आई हैड टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग when I was a child. Okay, अब अच्छा, इस सेंटेंस में एक और तरह से भी करेक्शन हो सकती है, और वो क्या है कि आप used to का एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते थे. used to का एक्सप्रेशन आप कब यूज करते हो, जब आप अपनी माजी की आदात के बारे में बात करते हैं या किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो आप पास्ट में बहुत ज्यादा किया करते थे. योर रिपीटेड एक्शंस और योर हैबिट्स इन द पास्ट, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप यूज टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं. सो अगर आपने इस सेंटेंस की करेक्शन की है कि आई यूज टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग when I was a child, तो ये sentence भी ठीक consider होगा. But the more authentic and the more appropriate structure is I had to. अब इसकी reason क्या है कि मैं कह रही हूँ कि had to जो है वो ज़्यादा authentic है, ज़्यादा appropriate है, क्योंकि आपको जो sentence examiner ने दिया है वो compulsion का है, जिसमें आपको force किया जा रहा है, you were bound to do something, you were forced to do something. और हैड टू का एक्सप्रेशन जो है वो हम कंपल्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं,
ऑन द अदर हैंड जो यूज टू का एक्सप्रेशन है उसमें कंपल्सिव एलिमेंट जो है वो इतना नहीं होता। यूज टू क्या होता है कि जो आपकी आदतें थी, यानी आप अपनी मर्जी से आपकी कोई आदत थी, आप बाउंड नहीं किया गया था आपको कुछ करने के लिए, बल्कि आपकी अपनी आदतें थी या आपके अपने ऐसे एक्शंस थे जो आप बार बार रिपीट किया करते थे। सो क्योंकि इसमें कंपल्शन का एलिमेंट नहीं है और जो आपसे डिमांड की गई है वो कंपल्सिव एक्शन की है, मस्ट आपको बता रहा है कि अब इसमें जो है वो कंपल्सिव आपने कोई एलिमेंट लगाना है जो कि अप्रोप्रिएट हो। सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक जो करेक्शन होगी और जो होनी चाहिए वो क्या है, आई हैड टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। सेंटेंस नंबर टू, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। ओके, इस सेंटेंस की करेक्शन भी बिल्कुल उसी रूल पे है जो मैंने आपको लास्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर वन में बताई। हैव टू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप प्रेजेंट के लिए हैव टू यूज करोगे, फ्यूचर के लिए विल हैव टू यूज करोगे और पास्ट के लिए हैड टू यूज करोगे। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हैव टू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और हैव गॉट टू भी आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ ऑफ दिस एक्सप्रेशन हैव टू एंड हैव गॉट टू हैव सेम मीनिंग्स, बट इन केस ऑफ पास्ट और इन केस ऑफ फ्यूचर यू कैन नॉट यूज गॉट और गेट। ठीक है, उसमें आपने सिंपली फिर विल हैव टू यूज करना होगा इन केस ऑफ फ्यूचर और हैड टू यूज करना होगा इन केस ऑफ पास्ट। तो यहाँ पे अब गॉट टू जो है वो यूज किया गया है, तो या तो आप यहाँ पे वी हैव गॉट टू अगर स्ट्रक्चर होती तो वो ठीक होती, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो अब यहाँ पे हैड टू इस्तेमाल होना है और हैड के साथ हैड टू जो आप एक्सप्रेशन यूज करते हो उसमें गॉट जो है वो अननेसेसरी है। सो आप जस्ट इसे यहाँ से रिमूव कर दोगे तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफेक्ट। So the correction would be, after the storm, we had to pick up some fallen branches. Sentence number three. Guitar is most popular instrument among teenage boys, but not girls. ओके, अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई एक मिस्टेक नहीं है, एक से ज्यादा मिस्टेक्स हैं, लेकिन हम इन्हें वन बाय वन जो है वो डिस्कवर करते हैं। मैंने ऑनलाइन क्लासेस में आपको जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की बात की थी तो हमने पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि सेंटेंस जो है वो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिन्हें देखते साथ ही आपके माइंड में कुछ क्लिक करता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। तो अगर आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हो कि गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग बॉयज बट नॉट गर्ल्स, इट मींस कि ये जो सेकंड क्लॉज है बट नॉट गर्ल्स, इसमें कुछ मिसिंग है, यहाँ पे गड़बड़ है असल। तो होना क्या चाहिए, पॉपुलर अमंग बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल्स। This is the proper structure. This is the appropriate structure. Ke the popular instrument among boys but not among girls. Popular among boys but not popular among girls. तो यहाँ पे जो first mistake है वो क्या है, preposition की है। तो यहाँ पे आपने preposition use करोगे but not among girls, girls से पहले आप among का preposition इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी first जो है वो यहाँ पे correction होगी। Okay. और जो इसमें सेकंड करेक्शन है वो क्या है, अगर इस सेंटेंस में आप देखो तो एक कीवर्ड है आपके पास मोस्ट। मोस्ट यू नो कि मोस्ट आपके पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है और जब भी आप किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हो तो उसके साथ आप अप्रोप्रिएट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ जो आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी दी। सो यहाँ मोस्ट से पहले दी मिसिंग है तो आप यहाँ पे दी का इस्तेमाल करोगे। गिटार इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल्स। सो दिस इज द सेकंड करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी इसमें कोई मिस्टेक है। जी,
तो लास्टली अब अगर आप इस सेंटेंस की सब्जेक्ट पे फोकस करते हो और वो सब्जेक्ट क्या है, गिटार। अब गिटार जो है वो क्या है, एक नाउन है। और किस किस्म का नाउन है, डेफिनेटली ये एक काउंटेबल नाउन है, आप इसे काउंट कर सकते हो, और ये सिंगुलर है, वन है, ठीक है। जब भी आप किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसके साथ उसका एप्रोप्रिएट आर्टिकल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गिटार के साथ जो आर्टिकल यूज होगा वो क्या होगा, ए। मैंने अप्रोप्रिएट आर्टिकल क्यों कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ आप ए यूज करो, डिपेंडिंग ऑन द साउंड, किसी के साथ एन हो सकता है, किसी के साथ ए हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप इसके साथ ए यूज करोगे। अब हमने इसकी तीन जो है वो मिस्टेक्स देख ली, तो ओवरऑल इस सेंटेंस में आर्टिकल की मिस्टेक थी और प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी। सो अब हम इसकी एक कलेक्टिव फ्रैक्शन देख लेते हैं। अ गिटार इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल्स। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस नंबर थ्री। आई होप के आपको ये क्लियर होगा। सेंटेंस नंबर फोर, यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर सून। ओके, अगेन आपके पास ये सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इट मींस कि आपका जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्मुलेशन स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं यहाँ पे, तो आपको याद होगी मैंने हमने क्लासेस में सीखी थी कि कंपाउंड सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उन्हें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं। और उसमें रूल क्या होता है कि जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले लाजमी तौर पे आप कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। सो होना क्या चाहिए, बेसिकली यू आर नॉट वेल कॉमा एंड आई विश यू फील बेटर सून। सो इन दिस सेंटेंस देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यू आर नॉट वेल एंड द सेकंड वन इज आई विश यू फील बेटर सून। एंड वी ऑलवेज यूज कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन केस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब इसमें सेकंड जो है वो मिस्टेक क्या है, आई विश यू फील बेटर सून। इस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, इस क्लॉज में जो सेकंड क्लॉज में वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, विश। आई विश यू। अच्छा, आप विश जो है वो तब इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब जब आप किसी ऐसी चीज के लिए डिजायर शो कर रहे हो जिसका होना मुमकिन दिखाई ना देता हो, जिसके होने के चांसेस इतने ज्यादा ना हो। जैसा कि हमने सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे और उनमें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को हमने डिस्कस किया था, तो उसके साथ आप विश यूज करते थे, ठीक है, इन केस ऑफ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ अ हाइपोथेटिकल केस। तो ऐसी डिजायर्स को शो करने के लिए जिनके होने के चांसेस ज्यादा हो या जिनके होने के लिए आपको उम्मीद हो, आपको पता हो कि फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर ये काम हो सकता है, तो उसके लिए आप उम्मीद होते हैं। सो यू विल यूज होप, आई होप यू फील बेटर सून। सो इस सेंटेंस में दो करेक्शंस हैं, एक इसमें पंक्चुएशन मार्क की मिस्टेक थी कि यहाँ कॉमा जो है वो मिसिंग था, और सेकंड इसमें वर्ब की मिस्टेक है, वर्ड चॉइस की मिस्टेक है कि यहाँ पे जो वर्ड विश इस्तेमाल किया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि आपने अप्रोप्रिएट वर्ब होप का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस नंबर फाइव, द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। अच्छा, इससे में इस सेंटेंस में सबसे पहले अगर आप इसके फर्स्ट क्लॉज को देखते हो, द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ, तो यहाँ आपको पता चलता है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन, या अब यहाँ पे इज होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इट सीम्स कि यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग है। अब वो किस टेंस का मिसिंग है ये आपको कैसे पता चलेगा, ये जो नाउ का वर्ड है ये आपको बता रहा है कि बात प्रेजेंट की हो रही है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे इज होना चाहिए, द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ। बट द पॉइंट इज कि लुक का जो वर्ब है
ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। फर्स्ट, ये आप इसे स्टेयर की सेंस में इस्तेमाल करते हो, यानी किसी को देखने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हो, तो तब ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज लुकिंग एट द डोर। तो अब यहाँ पे लुक का मतलब क्या है? शी वॉज स्टेयरिंग एट द डोर। तो यहाँ आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब लुक एज अ अपेयरेंस आप इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स पेल, तो फिर आप अपेयरेंस की सेंस में लुक को कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में इस्तेमाल नहीं करते, आप उसके साथ सिंपल टेंस लगाते हैं। सो यहाँ पे जो ग्रास है उसकी अपेयरेंस की बात हो रही है कि द ग्रास डज नॉट लुक ग्रीन। सो दिस वुड बी द फ्रैक्शन ऑफ दिस फर्स्ट क्लॉज, कि यहाँ आप इस एम आर या वॉज वर वाला चक्कर नहीं चलाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बजाय तो लग रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, और सिंपली हमें इसे इज लगा देना चाहिए कि द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन। लेकिन क्योंकि जो लुक है वो एज अपेयरेंस में हम लेके जा रहे हैं, इसे अपेयरेंस के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए? द ग्रास डज नॉट लुक ग्रीन। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ अपेयरेंस हम लुक को कभी भी प्रोग्रेसिव टेंसेज में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ पे एज अ नॉन प्रोग्रेसिव या नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो इसके जो फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट क्लॉज है उसकी करेक्शन हो गई। अगर हम सेकंड क्लॉज की बात करें, बिकॉज इट इज नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ, तो इसमें क्या मसला है? अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही क्विक सा मैं आपको क्लू बता दूं। जब भी आप किसी सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करते हो या फॉर का इस्तेमाल करते हो, तो आपके माइंड में फौरन से पहले आ जाता है कि जो सेंटेंस होगा वो किस टेंस का होगा, या तो वो परफेक्ट टेंस का होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, क्योंकि सिंस और फॉर हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही इस्तेमाल करते हैं। और ये आप अब इस टेंस में बेसिकली आपके पास एक टाइम फ्रेम आ गया है सिंस लास्ट मंथ। तो अब आपको पता चल गया कि या तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। तो अब इन दोनों में से डिसाइड करना है आपने, बिकॉज इट हैज नॉट रेन सिंस लास्ट मंथ और बिकॉज इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ, विच वन शुड बी द करेक्ट चॉइस? ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा टेंसेस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बात तो यहाँ पे जो एग्जामिनर ने आपको दिया है टेंस, वो तो कॉन्टिन्यूस का टेंस है। सो ज्यादातर होना क्या चाहिए था कि आप कॉन्टिन्यूस में ही बात करते, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो उसकी रीजन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप तब इस्तेमाल करते हो जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, कुछ खास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक वो जारी रहा हो, और इवन राइट एट दिस मोमेंट भी वो एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में हो। तो इस सिचुएशन के लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑन द अदर हैंड, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल करते हो? जब कोई एक्शन राइट एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए आप यूज करते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट चॉइस होगी वो क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। सो अब हम इसकी ओवरऑल करेक्शन देख लेते हैं। The grass does not look green now because it has not rained since last month. Sentence number six, the cold air made me shiver a little when I was waiting for him. अच्छा जी, जब मैं उसका इंतजार कर रहा था तो ठंडी हवा ने मुझे कपकपाने पे मजबूर कर दिया, या ठंडी हवा ने मुझ पे कपकपी थारी कर दी। ओके, अब इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? अगेन, ये आपके पास दो क्लॉजेस हैं इस सेंटेंस में। अगर इसकी फॉर्मुलेशन देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और आप एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उन्हें ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे वेन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे वाई होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, वेन क्यों नहीं होना चाहिए और वाई क्यों होना चाहिए, तो इसकी हम थोड़ी सी जो है वो देख लेते हैं।
जब भी आप पास्ट में बात करते हो, अच्छा मैं आप यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज नहीं करूंगी लॉन्गर एक्शन और शॉर्टर एक्शन का बता के, जैसा कि हमने क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी प्रैक्टिस की थी, मैं आपको एक समराइज कर देती हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की हुई या बिल्कुल न्यू लिसनर्स हैं हमारे, उन्हें भी ये चीज जो है वो इजिली क्लियर हो जाए, उनका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बेटा जब भी आप पास्ट में किसी दो एक्शंस की बात करते हो जो एट द सेम टाइम हो रहे थे, कॉन्टिन्यूस थे, साइमल्टेनियस थे, तो उनके लिए फिर आप वाइल की कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो माय हस्बैंड वाज रीडिंग अ बुक। अच्छा ये सिर्फ पास्ट के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, ये फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। जब भी दो एक्शन साइमल्टेनियस हो, कॉन्टिन्यूस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस में होगा, प्रोग्रेस में होगा। साइमल्टेनियस एक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, एट द सेम टाइम हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, तो आप उनको कनेक्ट करने के लिए हमेशा व्हाइल की कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। फिर हम व्हेन कब यूज करते हैं, व्हेन आप तब यूज करते हो जब दो एक्शन हो रहे हो, एट द सेम टाइम हो रहे हो, लेकिन पैरेलल वो नहीं होते, वो साइमल्टेनियस नहीं होते, यानी एक एक्शन पहले हो रहा होता है और एक बाद में हो रहा होता है, तो तब आप व्हेन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गेट होम आई टेक ऑफ माई शूज, जब मैं घर जाता हूँ अपने जूते उतार देता हूँ। तो दो एक्शन हो रहे हैं, वो उसी वक्त पे रहे हैं, लेकिन एक एक्शन पहले हो रहा है, एक एक्शन बाद में हो रहा है। आप पहले घर जाते हैं, बाद में जूते उतारते हैं, इवन दो के एट द सेम टाइम हो रहा है, इतना कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है, बट वन आफ्टर अनदर एक्शन हो रहा है। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जब भी दो एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हो और कॉन्टिन्यूस हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूस हो, तो फिर आप व्हाइल की कंजंक्शन इस्तेमाल करोगे। So the correction would be, the cold air made me shiver a little while I was waiting for him. अच्छा इस सेंटेंस को करेक्शन से हट के जरा अगर मैं बात करूं, तो आप इस सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, रीफ्रेम कर सकते हो, और आप इसे रीराइट भी कर सकते हो कि आप सेकंड क्लॉज को शुरू में लिख देते और जो फर्स्ट क्लॉज है उसे आप अपना सेकंड क्लॉज बना दो, तो तब भी ये सेंटेंस जो है वो लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल आई वॉज वेटिंग फॉर हिम द कोल्ड एयर मेड मी शिवर, तो ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली आपने कोमा यूज करना है इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो जब भी आप कंजंक्शन वाला जो पोर्शन होता है, जो कंजंक्शन वाला क्लॉज होता है, उसे शुरू में लेके जाओगे, जैसे व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर हिम, ऑल्दो ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एटसेट्रा, तो उसके बाद जो क्लॉज होगा उसे कनेक्ट करने के लिए आप कोमा इस्तेमाल करोगे। ये जरा करेक्शन से हट के मैंने आपको एक और इसी की, क्योंकि साथ आ रहा था तो मैंने कहा कि चलें ये रूल भी मैं आपको बताती चलूं। अच्छा जी, सेवन है सेंटेंस नंबर 7, आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वोमेन हु जस्ट स्माइल्ड मी। बहुत ही इजी सी इसकी जो है वो करेक्शन है, प्रपोजिशनल मिस्टेक है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत से लोगों की करेक्शंस देखी हैं जो ओल्ड वोमेन करके आए हैं, तो बेटा इसमें ओल्डर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें जरूरत नहीं है कि आप ओल्डर को चेंज करके ओल्ड लिखते या एल्डर लिखते, वो सही नहीं है। आप अगर ओल्डर को आप ओल्डर रहने देते हो तब भी ठीक है, ओल्ड लिखने की इसे जरूरत नहीं थी, इट इज ओके कि ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ इसमें जो मिस्टेक है वो जस्ट प्रेपोजिशन की है, हु जस्ट स्माइल्ड एट मी। अच्छा क्या जरूरी है कि हम स्माइल के साथ हमेशा एट की ही प्रपोजिशन लगाएं? नो, दिस इज नॉट नेसेसरी। बेसिकली स्माइल आपके पास एक ऐसा वर्ब है विच कैन टेक अ डिफरेंट प्रपोजिशन विद इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल एट, ऑन, फॉर एटसेट्रा। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस जो है वो उसकी नेचर क्या है, वो किस सेंस में बात हो रही है, तो उस पे डिपेंड करता है कि आप स्माइल के साथ कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल करोगे। सॉरी, अच्छा स्माइल एट जो है वो आप तब यूज करते हो जब आपका आई टू आई कांटेक्ट हो। फॉर एग्जांपल शी स्माइल्ड एट हिम,
इसका मतलब है कि लड़की ने उसकी तरफ देख के स्माइल पास की है. शी मेड आई टू आई कॉन्टेक्ट एंड देन शी स्माइल्ड. सो शी स्माइल्ड एट हिम. ऑन दी अदर हैंड स्माइल ऑन आप कब यूज करते हो? इन ऑर्डर टू मेक समवन और समथिंग हैव गुड लक और सक्सेस. जब आप किसी को कोई गुड लक जो है वो या सक्सेस जो है वो उसे दे रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? स्माइल ऑन. फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर्चून स्माइल्स ऑन अस वी विल विन द लॉटरी. क्या अगर किस्मत हम पे मेहरबान होती है तो अब यहाँ पे स्माइल ऑन जो है वो किस सेंस में चला गया है? मेहरबान होने के सेंस में, कि अगर किस्मत हम पे मेहरबान होती है तो हम ये लॉटरी जीत जाएंगे. आई होप कि अब सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा. सो द करेक्शन वॉज आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वोमेन हु जस्ट स्माइल्ड एट मी. इट मीन्स कि मैंने उस बुजुर्ग औरत को अपनी सीट ऑफर की जिसने मेरी तरफ देखा. जी शी मेड आई टू आई कॉन्टेक्ट एंड देन शी स्माइल्ड. इट मीन्स कि अब हो सकता है कि बहुत सारी वहां पे बुजुर्ग खवातीन हो सकती हैं, लेकिन आपने किस वाली को सीट ऑफर की है? हु जस्ट स्माइल्ड एट मी. अच्छा, एक और मैंने स्टूडेंट्स की करेक्शंस देखी जो ये जस्ट को जो है वो उन्होंने रिप्लेस किया हुआ है कि आई जस्ट ऑफर्ड माई सीट और हु स्माइल्ड एट मी, आई ऑफर्ड माई सीट टू जस्ट ओल्डर वोमेन. तो बेटा ये बिल्कुल अननेसेसरी करेक्शंस थी. आपको बिल्कुल भी इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं थी. जस्ट बिल्कुल ठीक है, ओल्डर बिल्कुल ठीक है. इसमें मिस्टेक जस्ट प्रपोजिशन की है और वो क्या है? स्माइल एट. ऑलराइट. अच्छा जी, अब लास्ट सेंटेंस आ गया, फाइनली शुक्र है. सेंटेंस नंबर 8. शी पैक्ड हर बैग्स, कैरीड डाउनस्टेयर्स एंड पुट द बैक सीट ऑफ हर कार. बहुत ही वेग और एम्बिगुअस सा सेंटेंस है, कुछ समझ नहीं आ रही. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को देखने में ये ठीक भी लग रहा हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा इसका आप डिटेल में इसे फोकस करते हो, शी पैक्ड हर बैग्स, उसने अपने बैग्स पैक किए, कैरीड डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे लाई. हियर इज द क्वेश्चन, वो सीढ़ियों से नीचे क्या लेके आई? शी कैरीड डाउनस्टेयर्स व्हाट? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड सम सब्जेक्ट और वो क्या है? बैग्स. ठीक है, उसने क्या शी कैरीड व्हाट डाउनस्टेयर्स? शी कैरीड बैग्स डाउनस्टेयर. लेकिन अब आप बार बार जो है वो बैग का नाउन यूज नहीं करोगे, बल्कि इसे रिप्लेस करने के लिए आप प्रोनाउन यूज करोगे. और बैग्स के लिए क्या प्रोनाउन आएगा? देम. ठीक है, ही पैक्ड हर बैग्स, कैरीड देम डाउनस्टेयर्स एंड पुट द बैक सीट ऑफ हर कार. अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि उसने अपने बैग्स पैक किए, उन्हें सीढ़ियों से नीचे लेके आई और उन्हें अपनी कार की पिछली सीट में उसने रख दिया. पुट देम होगा. और जब भी आप कोई चीज अपनी कार की बैक सीट में रखते हो तो उसके साथ प्रेपोजिशन भी आनी चाहिए. शी पुट देम इन द बैक सीट, टू द बैक सीट, ऑन द बैक सीट. क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ तो होगा ना. विदाउट प्रपोजिशन तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा आपको. सो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो प्रोनाउन की मिस्टेक है और सेकेंड प्रपोजिशन की मिस्टेक है. एंड द करेक्शन वुड बी शी पैक्ड हर बैग्स, कैरीड देम डाउनस्टेयर्स एंड पुट देम इन द बैक सीट ऑफ हर कार. राइट, यहाँ पे प्रपोजिशन इन आएगी. जब भी आप अपनी गाड़ी की पिछली सीट में कोई सामान रखते हैं, कोई चीज रखते हैं, तो उसके लिए आप इन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. और प्रोनाउन जो है वो बैग्स के लिए देम आएगा इस सेंटेंस में. आई होप कि ये 8 सेंटेंस जो थे इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हुई या किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं. इसके अलावा काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी ट्रांसलेशन पे होगी. CSS 2022 की जो ट्रांसलेशन है, जो एडियम्स हैं, हम उन्हें कवर करेंगे. तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.